बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना इन्वर्टिब्रेट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे लोफोफोरेट्स, एक्टोप्रोक्ट्स और ब्रैकियोपोड्स के बारे में। ठीक है, लोफोफोरेट्स क्या होते हैं? लोफोफोरेट्स हैव अ लोफोफोर। ठीक है, हम इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो बायलेट्रियंस हैं लोफोफोरेट्स, से पहले मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जो बायलेट्रियंस हैं फाइला एक्टोप्रोक्टा में और ब्रैकियोपोड्स में। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि जो बायलेट्रियंस हैं एक्टोप्रोक्टा फाइलम में और ब्रैकियोपोड्स जो हैं, इन सब को हम लोफोफोरेट कहते हैं। कि हम लोफोफोरेट कहते हैं किसको हैं, कि बायलेट्रियंस इन दी फाइला एक्टोप्रोक्टा एंड ब्रैकियोपोड्स आर कॉल्ड एज दी लोफोफोरेट्स। अब लोफोफोर का क्या मतलब होता है कि इन एनिमल्स के पास जो है एक सिलिएटेड टेंटिकल मौजूद होते हैं, इनके माउथ के इर्द गिर्द कुछ सिलिएटेड टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके लोफोफोर की हम बात कर रहे हैं तो उनके माउथ के इर्द गिर्द कुछ टेंटिकल्स मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं सिलिएटेड टेंटिकल्स हैं। और इनकी शेप कैसी होती है, हॉर्स शू शेप्ड होती हैं, सस्पेंशन फीडर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीलिया होते हैं ये इनके ज़रिए पानी इनके मुंह में जाता है और फिर क्या होता है कि जो टेंटिकल्स हैं वो खुराक को भी ट्रैप करते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल है उसको ट्रैप करते हैं, जो वाटर है उसको अपने माउथ तक पहुंचाते हैं। और इसकी जो शेप है यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल है एंड द एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेड। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेड, क्या इसका जो हेड है वो एब्सेंट है और इनमें जो है ट्रू सेलोम जो है वो मौजूद होती है, यानी कि हम कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो ट्रू बॉडी कैविटी होती है। अगर हम फ्लैट वर्म्स में देखें, हमने लास्ट लेक्चर में जो फ्लैट वर्म्स को डिस्कस किया था, तो फ्लैट वर्म में जो बॉडी कैविटी थी वो नहीं होती, ना फ्लैट वर्म में थी ना ही रोटोफोर में। ठीक है, रोटोफोर में हमने सूडो सिलोम की बात की थी, लेकिन लोफोफोरेट जो है उसमें ट्रू सिलोम होती है। ठीक है, ट्रू सिलोम में हम कहते हैं कि डेट इज़ कम्प्लीटली लाइन बाय अ मीजोडर्म। नेक्स्ट इज़ दी एक्टोप्रोक्ट्स। मैं साथ साथ हाईलाइट करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। एक्टोप्रोक्ट्स हम कहते हैं कॉलोनियल एनिमल्स हैं डैट सुपरफिशली रिजेंबलिंग विद दी प्लांट्स। तो ये हमें देखें, यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये हमें बिल्कुल प्लांट की तरह के नज़र आते हैं। तो एक्टोप्रोक्ट्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला था। ठीक है, ग्रीक वर्ड एक्टो मीन आउटसाइड एंड प्रोक्टा मीन एनस। एक्टो हम कहते हैं आउटसाइड और प्रोक्ट्स मीन एनस। ठीक है, क्या होता है कि इनका जो स्केल्टन है वो हार्ड होता है। ठीक है, इसका जो स्केल्टन हम कहते हैं हार्ड होता है और इसमें पोर्स मौजूद होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसे लग रहा है जैसे ये कुछ पोर्स मौजूद है। ठीक है, इनको हम कह रहे हैं, ये जो पोर्स हैं यहाँ पर हम कहते हैं इन पोर्स को कि यहाँ से लोफोफोर जो है वो एक्सटेंड होता है। इट इज़ हार्ड एक्सोस्केल्टन स्टडेड विथ पोर्स थ्रू विच द लोफोफोर एक्सटेंड। मोस्ट एक्टोप्रोट स्पीशीज लिव इन द सी वेयर दे आर अमंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड न्यूमरस एसाइल एनिमल्स। मोस्टली जो है सी में पाई जाती हैं, उसके अलावा ये रीफ बिल्डर्स भी होती हैं। जो एक्टोप्रोट्स है वो लेक्स में भी पाई जाती है, रिवर्स में भी है सी के अलावा। उसके अलावा ये फ्रेश वाटर एक्टोप्रोट्स भी होते हैं, कलोनीज एक्टोप्रोट्स की अगर हम बात करें फ्रेश वाटर एक्टोप्रोट्स की कलोनीज की, तो उसमें एग्जाम्पल आती है पेक्टीना टीला मैग्निफिका। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल हो आप इसको हाफ हाफ करके पढ़ लिया करें। ठीक है, पेक्टीना टेला मैग्निफिका। ठीक है, ये रॉक्स पे जो है चिमटी हुई होती थी और बिल्कुल हमें ऐसे लगता था कि एक जिलेटनस बॉल शेप्ड मैस की तरह की हमें नज़र आती थी और इनकी जो साइज़ है वो तकरीबन मोर देन 10 सेंटीमीटर था। यहाँ पर यह आपको जो है एक्टोप्रोक्ट्स नज़र आ रहा है कि सच एज द सी मेट मेम्ब्रेनीपुरा मेम्ब्रेनिका आर कॉलोनियल लोफोफोरेट से, बिल्कुल हमें प्लांट की तरह नज़र आता है। जैसे एक मॉस का प्लांट होता है ना, जैसे एक गुच्छा है मॉस का, बहुत सारे मॉस के क्लम्प्स हैं, उनको हम कहते हैं कि वो हमें बिल्कुल एक्टोप्रोट्स जो हैं बिल्कुल वैसे ही नज़र आते हैं। तो ये जो मैंने आपको पेक्टीना टीला के बारे में भी बताया है, ये सारी बातें जो हैं आपकी बुक पर लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंशन है, लेकिन आपकी सारी बातें बुक पर लिखी हुई हैं। आप लोग ये ना सोचें कि पता नहीं कहाँ से बता दिए। मोस्ट एक्टोप्रोक्ट्स लिव इन सी
मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, सी वाटर, इन मोस्ट स्पीशीज़ द क्लूनी इज़ इनकेस्ड इन अ हार्ड एक्सोस्केलेटन। तो इसमें जो है इसका स्केलेटन वो हार्ड होता है। नेक्स्ट फोरोनीड्स क्या होते हैं? फोरोनीड जो है ट्यूब ड्वेलिंग मरीन वॉर्म्स होते हैं रेंजिंग फ्राम 1 to 50 centimeter इन लेंथ। तो इसकी जो लेंथ है 1 to 50 centimeter हो सकती है। ये लोफोफोर है, ठीक है। ये जो फोरोनीड्स है ना, इसकी डायग्राम जो है वो नोट्स पे मेंशन नहीं है, तो आप लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। जो आपको वहाँ पे नोट्स पे चीज़ ना मिले वो आप लोग यहाँ से कर लें। जैसे आगे अभी हम एक फाइलम पढ़ेंगे तो वो नोट्स में मेंशन नहीं है, तो वो आप लोग यहीं से कर लें। आर ट्यूब डिवेलिंग मेरीन वर्म्स रेंजिंग फ्राम 1 to 50 centimeter इन लेंथ। ये बिल्कुल एक ट्यूब डिवेलिंग मेरीन है, एनिमल वर्म्स हैं, और हमने इसकी लेंथ की भी बात कर ली। फोरोनीड्स जो हैं सच एज दी फोरोनीज, हिपोक्रीपिया, द लोफोफोर एंड माउथ आर एट वन एंड ऑफ इलॉन्गेटेड ट्रंक। बिल्कुल हमें ये ऐसे ट्रंक नज़र आ रही है, जैसे ये इलॉन्गेटेड ट्रंक है ना, ये आपको मैं इसको मैंशन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ये आपको इलॉन्गेटेड एक नज़र आ रही है लाइन, ये क्या है, ये इसकी इलॉन्गेटेड ट्रंक है, ठीक है। इसलिए इनको ट्यूब डिवेलिंग मेरीन वर्म्स कहा जाता है कि बिल्कुल एक ट्यूब की तरह की है। माउथ इनके एक साइड पे माउथ है और उससे आगे इसकी एक ट्रंक बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रैकियोपोड्स की। ब्रैकियोपोड्स जो हैं ये इनको हम लेम शेल्स भी बोलते हैं। उसके अलावा ये बिल्कुल हमें ऐसे नज़र आते हैं जैसे हिंज शेल्ड मोलस्क की तरह के नज़र आते हैं। इनकी जो शेप है ये बिल्कुल हमें ऐसे लगे ना जैसे मोलस्क हैं। इनकी शेप बिल्कुल हमें मोलस्क की तरह के नज़र आते हैं, जिस तरह हम एक आप कह सकते हैं सिपियाँ जो होती हैं मोलस्क हम कहते हैं, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल इसकी शेप ऐसे ही नज़र आ रही है। ब्रैकियोपोड्स सुपरफिशियली रिजेंबल क्लैम्स एंड अदर हिंज शेल्ड मोलस्क, बट द टू हाफ्स ऑफ द शेल आर डॉर्सल एंड वेंट्रल रैदर देन लेटरल एज इन क्लैम्स। अब इसके दो हाफ्स हैं ना, इस बिल्कुल एक ये है और एक जो है ये है, तो एक जो है वो डॉर्सल होगा और एक क्या होगा, एक वेंट्रल होगा इसका जो शेल है, इसलिए हम कहते हैं कि इसमें दो शेल्स होते हैं। उसके अलावा जो ब्रैकियोपोड्स हैं, जितने भी ब्रैकियोपोड्स होते हैं ना वो मेरीन होते हैं। उसके अलावा जो है हम कहते हैं कि जो सी फ्लोर होता है, जो सी फ्लोर होता है ना उसके साथ ये अटैच होते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं और फिर जो है अपने इस शेल को, ये इस शेल को ओपन करते हैं और फिर यहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो वाटर होता है इन यहाँ पे लोफोफोर मौजूद है, तो ये लोफोफोर की मदद से वाटर जो है इनमें से पास आउट होता है। वाटर की फ्लो जो है होते ही आउटसाइड एंड इनसाइड जो भी फ्लो होना होता है वो इन लोफोफोर की मदद से होता है। ये शेल्स ओपन हो जाते हैं और फिर यहाँ पे लोफोफोर की मदद से पानी इतने से गुजर सकता है। उसके अलावा इसकी स्पीश की अगर बात करें, जो लिविंग ब्रैकियोपोड्स हैं, हम कहते हैं कि इनका एक रिचर पास्ट था जिसमें तकरीबन 30,000 स्पीशीज थी पैलियोजोइक और मीजोजोइक एराज में। जो पहले एराज थे जैसे पैलियोजोइक और मीजोजोइक एराज थे, वहाँ पे इसकी तकरीबन 30,000 स्पीशीज जो है वो देखी गई। उसके अलावा जो लिविंग ब्रैकियोपोड्स हैं उसमें जैसे आप कह सकते हैं कि इसकी एग्जांपल में है लिंगोला आती है, ठीक है, और वो हम कहते हैं लिंगोला जो है वो आइडेंटिकल थी और ये तकरीबन 400 million कुछ फॉसिल्स देखे गए थे इनके, और वो बिल्कुल उससे वो मिलती जुलती थी और ये तकरीबन 400 million ईयर्स अगो पहले तक जो है वो जिंदा थी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ब्रैकियोपोड्स हैव अ हिंज्ड शेल, द टू पार्ट्स ऑफ द शेल आर डॉर्सल एंड वेंट्रल, ठीक है। ये बिल्कुल एक हिंज्ड शेल की तरह की हैं, ये जुड़ी हुई है, यहाँ पे एक साइड जुड़ी हुई है बाकी साइड से खुली हुई है। इस तरह हम कह रहे हैं ये हिंज्ड शेल हैं और एक इसकी डॉर्सल शेल है और एक इसकी वेंट्रल शेल है, ठीक है। ये जो नेमेट्रियंस है ये नोट्स में मेंशन नहीं है, तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ें। मेम्बर्स ऑफ द फाइलम निमर्टिया, तो हम जो है निमर्टियंस को डिस्कस कर लेते हैं कि निमर्टियंस आखिर होते क्या हैं। तो निमर्टियंस हम कहते हैं कि इट बिलोंग टू फाइलम निमर्टिया। उसके अलावा ये जो फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, क्योंकि हम इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका ही एक फाइलम है, और इसको निमर्टियंस को हम रिबन वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज दी प्रोबोसिस वर्म्स आर रिबन वर्म्स, तो इसको प्रोबोसिस वर्म्स भी बोला जाता है और इसको रिबन वर्म्स भी बोला जाता है। उसके अलावा इसके बहुत सारे नेम हैं, इसको निमर्टनी भी बोलते हैं, निमर्टिनिया भी बोलते हैं, रिनोकोकिलिया भी बोलते हैं, ठीक है, रिनोसिसिलिया भी पढ़ सकते हैं, कुछ रिनोकोकिलिया भी बोलते हैं, लेकिन रिनोसिसिलिया है वर्ड। निमर्टीन्स भी हैं, निमर्टिया, ये सारे इसी के नाम है। रिबन वॉर्म्स, प्रोबोसिस, ये सब इसी के नाम है। और इसकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिम होती है, ठीक है। इसकी बॉडी बिल्कुल हमें पत्ती सी नज़र आती है, जैसे ये इसकी बॉडी बिल्कुल हमें एक स्लिम बॉडी नज़र आ रही है, ठीक है, बिल्कुल एक स्लिम बॉडी है। उसके अलावा जो है इसकी अगर लेंथ की बात करें तो फ्यू मिलीमीटर तक इसकी लेंथ होती है।
लेकिन इसकी बॉडी समटाइम्स वाइट भी होती है, ठीक है। और इसमें अगर पैटर्न्स की बात करें तो इसमें येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन कलरेशन होती है, येलो भी होती है, ऑरेंज, यानी कि प्योर हमें माल्टे की तरह का कलर मिल जाएगा, लेकिन रिजेंबल होता है, जैसे ये आपको एक नज़र आ रहा है कलर, ठीक है, ये वाला। तो इसमें जो है येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन कलरेशन में हमें नज़र आ रहे होते हैं। उसके अलावा इसमें जो है एनएस की अगर बात करें तो एनएस इज़ एट द टिप ऑफ द टेल। अब इसकी जो टेल है, ठीक है, अब हम अगर इसकी टेल की बात करें तो इसकी जो टेल पे क्या होती है, इसकी जो टेल की टिप है ना, वहाँ पर एनएस मौजूद है, ठीक है। इसकी जो टिप है वहाँ पर एनएस, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे कह लें कि ये जो है एक टेल है और यहाँ पे इसकी टिप पे जो है क्या होती है, इसकी एनएस मौजूद होती है। और जो इसका माउथ है वो इसकी फ्रंट साइड पे मौजूद होता है, जो माउथ है ना इसका वो फ्रंट पे बिल्कुल हमें सामने नज़र आएगा इसका माउथ, लेकिन जो उसकी टिप है वहाँ पर इसकी एनएस मौजूद है, किसकी, टेल की टिप पर, सॉरी माउथ जो है वो अंडर द फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट पे नहीं है, अंडर द फ्रंट है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें मिड लाइन भी होती है, डिफरेंट इसकी बॉडी के पार्ट्स होते हैं। द निमर्टियन यूनिक प्रोबोसिस इज यूज फॉर डिफेंस एंड प्रे कैप्चर इज एक्सटेंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड सैक, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इसको यूज़ किया जाता है डिफेंस के लिए, प्रे कैप्चर के लिए, और इसको जो है फ्लूइड फिल्ड सैक जो है हम कहते हैं एक्सटेंडेड बाय फ्लूइड फिल्ड सैक, फ्लूइड फिल्ड सैक होती है। निमर्टियंस आल्सो हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड होता है। इन द ब्लड इज कंटेंड इन वेसल्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी। तो इसकी जो बॉडी वेसल्स की अगर हम बात करें कि इसकी जो ब्लड है इसके वेसल्स में जो है, इसकी जिस तरह वेन्स वगैरह होती हैं, कैपिलरीज की हम बात करते हैं वेसल्स, तो वहाँ पे इसी तरह इनकी जो वेसल्स है उसमें ब्लड जो है पाया जाता है और पूरी बॉडी कैविटी में इसके फैला होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी। और इसमें जो है ब्लड के साथ हम कहते हैं इन विच ब्लड इज कंटेन्ड इन वेसल्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम फ्लूइड इन द बॉडी कैविटी, इसमें फ्लूइड भी पाया जाता है, ठीक है। और डिफेंस की अगर बात करें तो कुछ जो है, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो अगर उन्होंने कोई चीज़ कैप्चर करनी होती है, जैसे हम फिश के जब कैप्चर कर रहे होते हैं तो वो अर्थवॉर्म को यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसको भी इस तौर पे जो है इस्तेमाल किया जाता है कि अपना कोई प्रे कैप्चर करना हो तो मोस्टली लोग इसको भी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें फ्लूइड भी इन्वॉल्व होता है, फ्लूइड इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी। नेक्स्ट हमारे पास है मोलस्क। मोलस्क हैव अ मस्कुलर फुट, अ विजरल मैस एंड अ मेंटल। तो जो है मोलस्क, अब हम स्टार्ट करते हैं जिसमें वो सिपियाँ वगैरह की हम बात करते हैं, ठीक है, सिपियाँ भी आती हैं। तो मोलस्क की हमारा जो मेन टॉपिक वो मोलस्क है। मोलस्क में क्या होता है कि मस्कुलर फुट होते हैं और विजरल मैस होती है, मेंटल होती है, इसमें इन्वॉल्व जो मेजर इसमें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फाइलम मोलस्क में इंक्लूड होती हैं स्नेल्स, स्लग्स, ऑयस्टर्स, क्लैम्स और ऑक्टोपस इन्वॉल्व होते हैं, सिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी फाइलम मोलस्क की एग्जांपल हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएं मोलस्क की, ये तो भी हमने जस्ट मेन पॉइंट्स के बारे में बात की है, इसकी हिस्ट्री की अगर तरफ जाएं तो इसको पहली दफ़ा जो है डिस्कवर किया था एरिस्टोटल ने। और इसको जो मोलस्क नाम किसने दिया, इसको नाम दिया था जॉनस्टन ने इन 1650 में, जॉनस्टन, ठीक है, जे ओ एच एन एस टी ओ एन, ठीक है, जॉनस्टन ने इसको नाम दिया गया था। और ये जो मोलस्क है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, मोलस्क आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। उसके अलावा फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जो है टेरिस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मेरीन, टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में सब पाए जाते हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि जो टेरिस्ट्रियल, अगर हमने फ्रेश वाटर की बात कर ली, टेरिस्ट्रियल की बात करें, तो ये बिल्कुल खुश्क जगह पे पाए जाएंगे, सहरा में पाए जाएंगे, तो ऐसा नहीं था। ये नमी वाली जगहों पे, जो थोड़ी सी जगह नम होती है ना, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। हमने इस बात की कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन समटाइम्स हम इसकी बात करते हैं हार्ड शेल्स की भी, कि मोस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल। कुछ मोलस्क का जो शेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कुछ की हम बात करते हैं कि उसमें शेल नहीं होता, लेकिन कुछ में शेल होता है और वो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है कि वो हार्ड शेल होता है। उसके अलावा जो है इसकी अगर स्टडी की बात करें, मोलस्क की स्टडी, कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ज़रूर मैंने सोचा बताऊँ, तो आप लोग इन पॉइंट्स को ना नोट कर लें। जैसे कि हम इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, मोलस्क स्टडी को हम मेलाकोलॉजी कहते हैं, MALACOLOGY, मेलाकोलॉजी। और इसके अलावा हम इसको कंकोलॉजी, CONCOLOGY, ये मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो मैंने कहा मैं आपको वैसे बता देती हूँ, मेलाकोलॉजी और कंकोलॉजी बोला जाता है।
उसके अलावा जो मोलस्क के जनरल करेक्टर्स में आते हैं कि ये क्रीपिंग करते हैं, रींगते हैं, फ्री स्विमिंग भी करते हैं, और समटाइम्स ये बिल बना लेते हैं, बुरोइंग करते हैं, या फिर ये रॉक्स के साथ चिपके हुए होते हैं, अडहेयर टू रॉक, ठीक है। और इनकी बॉडी की अगर बात करें तो इनकी बॉडी बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल में क्या होता है कि दे डिवाइड इनटू पोर्शन, ठीक है। इनकी बॉडी होती है बाइलेटरल होती है कि वो दो पोर्शंस में डिवाइड हो सकती है। उसके अलावा इसकी बॉडी क्वाइल्ड होती है, एसिमेट्रिकल होती है। क्वाइल्ड की जब बात करते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसे गोल सी नज़र आती है, और वो किसकी वजह से होती है, वो ड्यू टू टॉर्सियन। टॉर्सियन जो है वो इसका एक करैक्टर है कि वो इसकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल घूम सकती है, जैसे एक व्हील घूमता है ना, इसकी बॉडी भी बिल्कुल व्हील की तरह घूम सकती है। तो इसके अब शेल की भी हमने बात कर ली, तो इसका जो शेल है वो किससे मिलके बना होता है, वो बहुत जो हार्ड शेल है, हम कहते हैं कि वो हार्ड शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। उसके अलावा जो है हमने इसकी डिफरेंट जनरल करेक्टर्स को तो डिस्कस कर लिया, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी बॉडी प्लान की। तो इसकी बॉडी प्लान जो है इसमें थ्री मेन पार्ट्स होते हैं, मस्कुलर फुट होता है, विजरल मैस होते हैं, और मेंटल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके बॉडी प्लान में मस्कुलर फुट है, विजरल मैस है, और एक थर्ड पॉइंट है मेंटल। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। अब ये जो है ये आपको इसकी पिक्टोरियल व्यू नज़र आ रहा है इसकी बॉडी प्लान का, मतलब कि जो इसकी इंटरनल आप चीज़ देखते हैं, इसको साथ साथ मेंशन करते जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो इसका एरिया है ना, ये वाला यहाँ पर, यहाँ ये भी वाला सारा जो है, ये क्या है, ये इसका विजरल मैस है, ये क्या है, ये इसका विजरल मैस है, और ये क्या है, ये इसका मेंटल है। जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये क्या है, ये इसका मेंटल कहलाता है, ठीक है। हमने विजरल मैस की भी बात कर ली, और हमने मेंटल की भी बात कर ली। अब ये दोनों तो चीज़ें हमने देख ली, और ये क्या है, ये इसका फुट है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि विजरल मैस में कौन से एरियाज आते हैं, फुट में क्या है, और इसके अलावा मेंटल में के कौन सी चीज़ें आती हैं। अब जब हम बात करते हैं इसके फुट में, फुट जो है ना इसका मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, डिफरेंट मूवमेंट्स के, मस्कुलर फुट है इसका जो डिफरेंट मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो इसकी विजरल मैस है, विजरल मैस में इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना वो सारे पाए जाते हैं। विजरल मैस में इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्रैक इज क्वाइल्ड इन द विजरल मैस, इसका तमाम जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्वाइल हुआ हुआ है, और इसको हम विजरल मैस बोलते हैं। इसका रेस्पायरेटरी, इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो तमाम जो है वो हम कहते हैं वो विजरल मैस हैं, ठीक है। और जो इसका मेंटल है, अब मेंटल हम किसको कहते हैं कि मेंटल जो है जो इन तमाम इंटरनल पार्ट्स की, तमाम जो इंटरनल पार्ट्स हैं इनकी जो कवरिंग है, ये जो ब्लू कलर से जिसने कवर किया हुआ है ना, ये मेंटल कहलाता है। कि कवरिंग ऑफ द इंटरनल विजरल मैस इज कॉल्ड मेंटल, ठीक है, इसको हम मेंटल बोलते हैं। उसके अलावा जो विजरल मैस होते हैं, कि हम कहते हैं कि इसमें टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं। विजरल मैस जो है ये सेल को सिक्रीट करते हैं। मोस्टली मोलस्क में ये देखा जाता है कि द मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द विजरल मैस, प्रोड्यूसिंग अ वाटर फिल्ड चैम्बर द मेंटल कैविटी। अब बियॉन्ड द विजरल मैस हम मेंटल कैविटी की बात करते हैं। ये मेंटल कैविटी है, ये क्या करती है, ये एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। कि ये जो विजरल मैस है ना, ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ वाटर फील्ड चैम्बर प्रोड्यूस करते हैं, और उन वाटर फील्ड चैम्बर को हम कहते हैं कि ये क्या कहलाती है, ये कहला रही है मेंटल कैविटी, ठीक है। जो गिल्स, एनस और जितनी भी एक्सक्रीटरी पोर्स हैं उन सब में ये काम करती है। उसके अलावा जो मोलस्क हैं, ये अगर इनकी बात करें, इनके माउथ, अब हम इसके माउथ की बात कर लेते हैं। ये इसका माउथ है, ठीक है। इसका माउथ बिल्कुल हमें जो है एक स्ट्रैप लाइक रेस्पिंग ऑर्गन की तरह का नज़र आता है। मैनी मोलस्क फीड बाय यूजिंग अ स्ट्रैप लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड अ रेड्यूला टू स्क्रैप अ फूड। स्क्रैप लाइक का मतलब है कि बिल्कुल जैसे खुरचना, ठीक है। जैसे अक्सर आपने वो खुरचने के लिए चीज़ें देखी होंगी घर में, अक्सर आलात मौजूद होते हैं जिससे आप कोई भी चीज़ खुरचते हैं, बिल्कुल इनका माउथ वैसे ही होता है। कि वो जो पहाड़ हैं, जो रिवर है, ठीक है, उसमें जो भी एलजी वगैरह है उनको, ये जो पत्थर वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं, उनमें से ये एलजी को जो है स्क्रैच कर सके, ठीक है। ये बिल्कुल एक जिस तरह रेती नहीं होती है, आपने सुना होगा रेती, वैसे ही ये इसकी शेप होती है।
द माउथ रीजन इन मैनी मोलस्क स्पीशीज कंटेन आर रैस्प लाइक फीडी ऑर्गन कार्डड्यूला. ठीक है, द बेल्ट ऑफ बैकवर्ड कर्व टीथ स्लाइड्स बैक एंड फोर स्क्रैपिंग एंड स्कूपिंग लाइक अ बैक हो. ठीक है, स्क्रैपिंग का काम करते. यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, स्कूपिंग लाइक अ बैक हो. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बैक हो होती है ना, ये हम कहते हैं कि जो अक्सर आपने मशीनें देखी होंगी बहुत बड़ी बड़ी जो कि खुदाई का काम करती हैं. ठीक है, अक्सर जो है जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो वो एक जो बड़ी सी मशीन आती है ना, जो वहाँ से मिट्टी वगैरह खोदने काम करती है, तो बिल्कुल ही उस तरह समटाइम्स ये काम कर रहे होते हैं. अब इसके हार्ट की बात कर लेते हैं. इसका जो हार्ट है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, द डॉर्सल लोकेटेड हार्ट पम्प सर्कुलेटरी फ्लूइड. इसका जो हार्ट है वो फ्लूइड को पम्प करता है, जिसको हीमोलिम्फ कहते हैं, थ्रू आर्टरीज इनटू साइनसिस. आर्टरीज और साइनसिस के जरिए, साइनसिस हम कहते हैं बॉडी स्पेसिस. उसके अलावा जो है, द ऑर्गन्स ऑफ द मोलस्क आर देन कंटिन्यूअल बाथ इन द हीमोलिम्फ. जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बाथ पे होते हैं. मतलब के सर क्या मतलब है बात का, कि हीमोलिम्फ में, कि यहाँ पे जितने भी जो भी इसमें सर्कुलेटरी फ्लूइड है ना, वो सारे ऑर्गन्स इसके अंदर डिप हुए होते हैं. ठीक है, नेफ्रीडियम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कॉल्ड नेफ्रीडिया. अब जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये क्या होता है, ये नेफ्रीडिया होते हैं. रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ. जितने भी उस सर्कुलेटरी फ्लूइड में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको ये रिमूव करने का काम करते हैं. अब नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग अराउंड द एसोफेगस. अब यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम है, ये क्या है, ये इसका एसोफेगस है. ठीक है, अब यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है, हम कहते हैं कि एक नर्व रिंग होती है इसमें मौजूद, जो कि इस एसोफेगस के इर्द गिर्द मौजूद होती है. ठीक है, फ्रॉम विच नर्व कॉर्ड एक्सटेंड, और यहाँ से ये नर्व कॉर्ड एक्सटेंड हुई भी होती है. ये था मोलस्क का इंटरनल एनाटॉमी क्या होती है, इसका बेसिक बॉडी प्लान क्या होता है. आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे कि इसका बॉडी प्लान क्या होता है. तो हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं, तो इस तरह हमने हर फाइलम में करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, वो सारा उसका बॉडी प्लान है. ठीक है, हमने उसकी इंटरनल एनाटॉमी पढ़ी है, वो सब उसके बॉडी प्लान में आते हैं. मोस्ट मोलस्क हैव सेपरेट सेक्सेस विद गनेड्स लोकेटेड इन द विजरल मैस. अब इसके जो गनेड्स हैं वो विजरल मैस में लोकेट होते हुए हुए होते हैं, और इन मोलस्क में सेपरेट सेक्सेस होते हैं, यानी कि एक मेल है, देन अदर इज द फीमेल. ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है कह रहे होते हैं कि मोस्ट मोलस्क हैव अ सेपरेट सेक्सेस. द लाइफ साइकिल ऑफ मैनी मोलस्क इंक्लूड अ सिलिएटेड लार्वल स्टेज कॉल्ड अ ट्रोकोफोर. अब यहाँ पे कुछ लार्वा इन्वॉल्व होते हैं. अब इसमें ना लार्वा के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. आपने जस्ट पहले जो है लार्वा का नाम सुना होगा, लेकिन लार्वा की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं. लेकिन जो मोस्टली मोलस्क में लार्वा मौजूद होता है ना, उसको ट्रोकोफोर कहते हैं. इसमें सिलिएटेड लार्वल स्टेज है. सिलिएटेड सिलिया भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सिलिएटेड लार्वल स्टेज होती है. ठीक है, इट्स इंक्लूड सिलिएटेड लार्वल स्टेज कॉल्ड ट्रोकोफोर. उसके अलावा यहाँ पर अगर एग्जांपल की बात करें, कि हमने बात कर ली कि इसमें सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं, ओवरीज और टेस्टिस आर लोकेटेड इन द विजरल मैस. जो है इसमें जो विजरल मैस में लोकेट हुई होती हैं इसकी ओवरीज और जो इसकी टेस्टिस हैं. लेकिन स्नेल्स की अगर बात करें, जो भी जितनी भी स्नेल्स हैं उन वो हर्मेफ्रोडाइट होती हैं. स्नेल्स क्या होती हैं, स्नेल्स आर दी हर्मेफ्रोडाइट. ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन इट. उसके अलावा हमने बात कर ली कि जितनी भी लाइफ साइकिल है मेरीन मोलस्क का, वो सिलिएटेड है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है. तो ये इसका सारा बॉडी प्लान था. अब आगे इसके मोलस्क की क्लासेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं. कुछ में ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ते भी बोलें, क्योंकि अब बहुत से बच्चों को लगता है कि मैं ना बहुत जल्दी बोलती हूँ, तो इसलिए मेरी कोशिश है, मैंने कहा मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि आप लोग जो है क्लियर कर सकें. अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, तो आप लोग दोबारा से वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं. देयर आर फोर मेजर क्लासेस ऑफ मोलस्क. अब इसकी फोर मेजर क्लासेस हैं मोलस्क की. ठीक है, वैसे इसके सेवन क्लासेस हैं. ठीक है, मोलस्क की, लेकिन यहाँ पर फोर क्लासेस जो हैं वो एक्सप्लेन की हुई हैं. सबसे पहली हमारे पास है पॉलीप्लैकोफोरा. पॉलीप्लैकोफोरा से पहले जो है मोनोप्लैकोफोरा भी आती है, एनोप्लैकोफोरा भी आती है. तो यहाँ पर हम पॉलीप्लैकोफोरा को डिस्कस करते हैं. काइटन्स जिसकी एग्जाम्पल है, ये क्या है, ये मेरीन शेल विद एट प्लेयर्स फूट यूज फॉर लोकोमोशन रेड्यूला नो हेड. ये जो है आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा, हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं. ठीक है,
यहाँ से ये तो एक समरी दी हुई है ना कि ये मेन करेक्टर यहाँ पे बताए हुए हैं, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम प्लैकोफोरा को पढ़ते हैं, प्लैकोफोरा को डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्लास प्लैकोफोरा इज़ कम्पोज्ड ऑफ काइटन्स, तो क्लास जो है प्लैकोफोरा इसकी एग्जाम्पल है काइटन्स, ठीक है। काइटन्स हैव एन ओरल शेप्ड बॉडी एंड अ शेल डिवाइडेड इनटू ए डॉर्सल प्लेट्स। तो जो काइटन है ये ओरल शेप्ड बॉडी है, ये देखें यहाँ पर हमें एक ओरल शेप्ड बॉडी, बिल्कुल हमें एक ओरल शेप्ड जो है वो बॉडी नज़र आ रही है। ये मेरा एक्चुअली माउस को प्रॉब्लम है, ये सही से गोल नहीं बन रहा ये, ठीक है, एक ओरल शेप बॉडी है। और हम कहते हैं कि इसका जो शेल है वो 8 डॉर्सल प्लेट्स में डिवाइड हुआ होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हमने छोड़ दी थी जो कि 8 है। तो इसमें फिक्स हुई होती हैं डॉर्सल प्लेट्स, ठीक है। ये मोलस्क और एनिलिड्स में वैसे कुछ करेक्टर भी सेम हैं, एनिलिड्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो तब हमें ज़रा पता चल जाएगा उसके बारे में भी। तो हमने देख लिया कि इसकी ओवल शेप बॉडी होती है और इसके शेल जो है वो डिवाइड हुआ होता है 8 डॉर्सल प्लेट्स में, ठीक है। और वो जो प्लेट्स हैं उन वो किससे मिलके बनी हुई हैं, वो कैल्शियम का, कैल्शियम की हम बात करते हैं, दीज आर दी कैल्शियस प्लेट्स, ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है, इसलिए हम उनको कैल्शियस प्लेट्स बोलते हैं, ओके। उसके अलावा जो काइटन्स की बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, इसकी बॉडी में कोई सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, इसमें आइज भी मौजूद नहीं होती, इसमें ना टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो इसका मेंटल है, ये जो इसका मेंटल है ये, ठीक है, मैं एम से लिख लेती हूँ, ये पागल वाला मेंटल नहीं है, ये दूसरा मेंटल है मोलस्क में जो मेंटल होता है। और यहाँ पर इसके मोलस्क में कुछ स्पाइंस मौजूद होते हैं जो कांटे वगैरह होते हैं स्पाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर किसी साहिल वगैरह पर जाएं तो वहाँ पे हम इन मरीन एनिमल्स को देख सकते हैं। अक्सर आप समुंदर किनारे जाएं तो वहाँ पे आपको मोलस्क्स देखने को मिलती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो चट्टान होती है उसके साथ ये क्लिंग हुई होती हैं, क्लिंग मतलब वहाँ पे जो चिपकी हुई होती हैं, या फिर कम पानी हो तो वो ऐसा करती हैं कि वो चट्टानें वगैरह जो होती हैं उनके साथ साहिल पर जो है वो चिपक जाती हैं। उसके अलावा अगर आप उसको देखें, उस डिसलॉज करके देखें उस काइटन को, अगर हाथ से आप उसे उतारने की कोशिश करें तो उसका जो फुट होता है ना वो एक सक्शन कैप की तरह काम करता है। उसके फुट में भी फर्दर कुछ साइफोन्स मौजूद होते हैं, जो इसके फुट है ना, सॉरी इसके जो फुट है उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। साइफोन जो है वो लोकोमोशन का काम करता है, कि लोकोमोशन बट जेट प्रोपल्शन यूजिंग साइफोन फॉर्म्ड फ्रॉम फुट, ठीक है। वहाँ पे कुछ साइफोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि पानी, साइफोन हम कहते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से पानी फ्लो करता है, तो वो उसके फुट के पास हैं कि साइफोन्स हैं और वो एक पानी को फ्लो करने का काम करता है। और यहाँ पे मैंने बात की कि इसके फुट जो है वो एक सक्शन कप की तरह काम करता है, कि वो बिल्कुल उसको ना ग्रिप करके पकड़ा होता है उसने रॉक को, कि उसको बड़ा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, हम उसको अगर हाथ से छुड़ाने की कोशिश करें ना तो वो नहीं छूटता, ठीक है। अ काइटन कैन आल्सो यूज़ इट्स फुट टू क्रीप स्लोली ओवर द रॉक सर्फिसेस। उसके अलावा ये जो काइटन है ना अपने फुट को इस्तेमाल करते हुए रॉक्स पे रिंगते भी हैं, और काइटन जो है वो रेड्यूला की मदद से जो चट्टानों पे जो एलजी लगी होती है, अक्सर आपने देखा होगा ग्रीन एलजी लगी होती है चट्टानों पे, तो ये उसको खुरचते हैं और फिर अपनी खुराक हासिल करते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ द गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स जो हैं ये भी मेरीन होती हैं, फ्रेश वाटर होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं, एंड इट बिलोंग टू क्लास गैस्ट्रोपोडा। अबाउट 3/4 ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज ऑफ मोलस्क। अब क्या होता है कि जितनी भी मोलस्क की हम बात करते हैं 3/4 स्पीशीज हैं लिविंग स्पीशीज, उसमें ज़्यादातर जो हैं वो गैस्ट्रोपोड्स हैं। उसके अलावा मेरीन है, फ्रेश वाटर होती हैं ये, लेकिन कुछ जो गैस्ट्रोपोड्स होती हैं ये लैंड पे भी रहती हैं, जिसमें गार्डन स्नेल आती है, स्लग्स आती हैं, तो ये हमने अक्सर गार्डन स्नेल जो गार्डन स्नेल जो है, मेरे मुंह से स्नेल निकल रहा है, तो ये एक लैंड स्नेल है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो हमने बात की थी ना टॉरियन की, इस तरह बिल्कुल एक गोल खूबसूरत सा नज़र आता है, ये अक्सर हमने अलग भी देखा होगा, इसको मेंशन कर लेते हैं। ये जो है ना ये प्यारा सा गोल सा आपको नज़र आ रहा है, ये टॉरियन है, ये घूम भी सकता है, ठीक है, ये इसमें एक प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर ये एक सी स्लग है। न्यूडीप्रैंक्स आर सी स्लग्स लॉस्ट देयर शेल ड्यूरिंग देयर एवोल्यूशन। अब
यहाँ पर देखें, यहाँ कुछ के पास तो शेल मौजूद है लेकिन इनके पास कोई शेल मौजूद नहीं है। जब एवोल्यूशन हुई ना तो इन कुछ स्पीशीज़ ऐसी थी जिनके जो शेल थे या तो वो रिड्यूस हो या पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पर इनकी जो बॉडी है ये क्वाइल हुई हुई है ड्यू टू टॉरियन, ठीक है। मोस्ट गैस्ट्रोपोड्स आर मेरीन बट देर आर आल्सो मैनी फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज। दे पॉसेस आर सिंगल स्पायरल शेल, इसमें सिंगल स्पायरल शेल हुआ होता, क्वाइल्ड शेल होता है इनके पास। स्लग्स लेक अ शेल और हैव अ रिड्यूस्ड शेल, जो स्लग है ना उनके पास शेल मौजूद नहीं होता या फिर उनके पास बहुत रिड्यूस मौजूद होता है। अच्छा, इसमें जो टॉरियन है इसके लिए ये होता क्या है कि गैस्ट्रोपोड्स के अंदर एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जिसको टॉरियन बोलते हैं, और ये 180 डिग्री एंगल पे ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसके जो हेड और इसकी जो एनस है ना वो क्या करती है, वो मूव कर सकती है, दे वाइंड अप, ठीक है। द एनिमल्स एनस एंड मेंटल कैविटी टू वाइंड अप अबव इट्स हेड एंड इट रोटेट्स अप टू 180 डिग्री। उसके अलावा इसके जो कुछ आफ्टर टॉरियन, हम अब आफ्टर टॉरियन की बात करें, इसके कुछ एंगल जो हैं, जो इसमें एंगल्स के बाद जो हमें ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, स्नेल्स की बात करें, तो जो ऑर्गन है देवर बायलेटरल एंड मे बी रिड्यूस्ड इन साइज। बायलेटरल तो होता है लेकिन समटाइम वो जब क्वाइल्ड हो जाता है ना तो उसका साइज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। वाइल अदर्स मे बी लॉस्ड ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो टॉरियन की वजह से जो इसका शेल है वो क्वाइल्ड हुआ होता है, तो इसका शेल जो है वो स्पायरल्ड भी होता है। उसके अलावा जो है ये क्वाइल कब होता है, या तो इसको ख़तरा होता है या इसको थ्रेट होता है तो ये फ़ौरन से क्वाइल हो सकता है, तो इस तरह ये ख़ुद को बचा लेता है। उसके अलावा अगर हम बात करें एबेलोइंस और लिम्पेट्स की, द शेल इज़ ऑफन कॉनिकल बट इट सम टाइम फ्लैटेंड। शेल मोस्टली इनका क्वाइल्ड होता है, कॉनिकल होता है, लेकिन कुछ में जो है शेल वो फ्लैटेंड होता है, जैसे कि एबेलोइंस की बात करें या फिर हम बात करते हैं लिम्पेट्स की। उसके अलावा इनमें जो आइज़ हैं और टेंटिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। पहले जो हमने बात की थी प्लेकोफोरा की, उनमें आइज़ और टेंटिकल्स मौजूद नहीं थे, लेकिन इनमें आइज़ और टेंटिकल जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसके अलावा ये रिपलिंग मोशन में मूव करते हैं, इनके जो फुट हैं इनमें सिलिया भी हैं और ये रिपलिंग मोशन में मूव कर रहे होते हैं, और जो है इसमें कुछ स्लाइम भी ये प्रोड्यूस करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है ना वो स्लाइमी होती है, थोड़ी सी चमकदार नज़र आ रही होती है, तो वो इस वजह से होती है क्योंकि वो म्यूसिलेज प्रोड्यूस करती है, म्यूकस जिसको आप कहते हैं, ठीक है, म्यूकस प्रोड्यूस कर रही होती है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इसमें सेवरल ग्रुप्स हाउएवर आर प्रीडेटर्स एंड द रेडुला हैज़ बिकम मॉडिफाइड फॉर बोरिंग होल्स इन शेल्स ऑफ देयर म्यूकस और फॉर टेयरिंग अपार्ट प्रे। अच्छा, इनके जो रेडुला है ना, इनके रेडुला की अगर बात करें, ये पॉइजन डार्ट के तौर पर काम करते हैं, जो इनके टीथ हैं जिसको वो सबड्यू प्रे कर, जो भी दबे हुए हम कह लें, सबड्यू दबे हुए को कहा जाता है, कोई भी प्रे आ जाता है, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, वो उन रेडुला जो जिसको हम कह रहे हैं पॉइजन डार्ट्स इनके टीथ में होते हैं, तो उनकी मदद से वो उसको बचा सकती हैं, आप खुद को बचा सकती हैं, आप किसी भी प्रीडेटर से बचा सकती हैं। उसके अलावा जो इनके रेडुला हैं, कोई भी शेल में होल करना हो या कुछ भी इस तरह होल वगैरह करना हो या किसी प्रे को जो है उसकी चीर फाड़ करनी हो, तो वो उन रेडुला की मदद से जो है ये कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल स्नेल्स लेक द गिल्स टिपिकली ऑफ मोस्ट एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड। जो टेरेस्ट्रियल स्नेल्स होती हैं ना उनमें गिल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है, मोस्टली जो है इनमें गिल्स मौजूद हैं गैस्ट्रोपोडा की स्पीशीज़ में, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल स्नेल होती है उनमें गिल्स मौजूद नहीं होते। इंस्टेड बाकी जो हम बात कर रहे हैं वो उनमें गिल्स मौजूद होते हैं, वहाँ से रेस्पायरेशन का काम करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें जो है रेस्पायरेशन एक तो गिल के ज़रिए की जाती है, और दूसरा रेस्पायरेशन पल्मोनरी सैक के ज़रिए की जा सकती है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्लास इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस नोन एज टॉरियन विच कॉज द एनिमल्स एनस एंड मेंटल टू एंड अप अबव इट्स हेड। तो ये हमने पढ़ लिया बात के टॉरियन क्या होता है, और ये बहुत प्यारा सा नज़र आ रहा है। ये इसकी एनस है, ये इसका मेंटल कैविटी है, ये स्टमिक है, और ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये इसका माउथ है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत सी एक पिक्टोरियल व्यू है, और ये इस तरह टॉरियन के ज़रिए ये 180 के एंगल पर ये मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइवॉल्व्स की, ये भी क्लासिफिकेशन है मोलस्क की। मोलस्क्स ऑफ द क्लास बाइवेल्विया इंक्लूड मैनी स्पीशीज ऑफ क्लैम्स, ऑयस्टर, मसल्स एंड स्कैलॉप्स। ये सारी स्पीशीज इसमें आती हैं। हैव अ शेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स। इसका जो शेल है ना वो टू हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, ये आपको जो शेल नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। अक्सर जो है आपने मोस्टली
आपने वीडियोस भी देखी होंगी, बड़े एक प्यारा सा ये एक जो है वो शेल नज़र आ रहा होता है, और इसमें जो है ना कुछ पर्ल्स भी मौजूद होते हैं जो ऑयस्टर वगैरह है ना, अक्सर ये अक्सर आप लोग कभी वीडियोस देखना, सर्च करना ये ऑयस्टर के पर्ल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो ज्वेलरी में यूज़ होते हैं वो इतने खूबसूरत से मोती होते हैं जो ये नेचुरली इनमें पाए जाते हैं, ये जैसे आपको ये एम्बेडेड नज़र आ रहे हैं, इनको निकालना पड़ता है, इसको पहले वॉश करते हैं और फिर उसके बाद इन मोतियों को निकालते हैं। और ये क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा है जो है इस पर ये निकाल रहे होते हैं, ये फोकस किया हुआ होता है जहाँ पर ये ज़्यादा है, जो जो साहिल समुंदर के पास जो लोग रहते हैं ज़्यादा वो ये काम करते हैं। हमें तो पहले या तो हमें जाना पड़ेगा, पहले समुंदर के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही काम करना पड़ेगा, और उसको करते करते हमें खुद ही कुछ ना हो जाए, तो इसलिए जो है महारत की ज़रूरत होती है कि जो पहले से जिनको पता होता है कि इस काम को हमने कैसे करना है। तो इसमें कुछ एडक्टर मसल्स भी होते हैं, जो एडक्टर मसल्स हम कहते हैं कि ये जो हाव्स है ना, ये हाव्स हैं, ये दोनों हाव्स जो हम कह रहे हैं, दे आर हिंज्ड एट दी मिड डॉर्सल लाइन। यहाँ पर ये देखें, ये जो मिड डॉर्सल लाइन है ना, ये जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर कुछ पावरफुल एडक्टर मसल होते हैं। एडक्टर मसल का काम होता है इसको चिपकाना, या इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि इनको आपस में ये जोड़े रखता है, ठीक है। एडक्टर मसल का काम क्या होता है, दे एडक्ट द थाई एंड हिप जॉइंट, थाई और हिप, वैसे बात अगर ह्यूमंस की करें तो ये थाई और हिप जॉइंट को ये टाइट करता है। इसी तरह यहाँ पर इन एडक्टर मसल्स की मदद से ये आपस में ये डॉर्सल मिड लाइन पर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। द मेंटल कैविटी ऑफ अ बाइवाल्व कंटेन्स गिल दैट आर यूज फॉर गैस एक्सचेंज एज वेल एज फीडिंग इन मोस्ट स्पीशीज। तो इसमें कुछ गिल भी मौजूद होते हैं जिसको वो गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं, फीडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और ये बाइवाल्व जो हैं वो सस्पेंशन फीडर्स भी होते हैं। उसके अलावा इसमें जो मेंटल कैविटी की अगर बात करें तो इसमें इन करंट साइफॉन होते हैं और एक एक्स करंट साइफॉन होते हैं। इन करंट में हम बात करते हैं कि इन करंट और एक्स करंट में हम कहते हैं कि पानी एक तरफ से आ रहा है और एक तरफ से जा रहा है। तो इन करंट साइफॉन में क्या होता है कि पासिस ओवर द गिल्स एंड देन एग्जिट द मेंटल कैविटी थ्रू एन एक्स करंट साइफॉन्स। तो साइफॉन्स में से जो वाटर है एक तरफ से आया है और दूसरी तरफ से वो बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है बाइवाल्व्स की अगर बात करें तो वो सेडेंट्री लीव्स होती हैं। सिसाइल मसल सेक्रीट थ्रू थ्रेड्स दैट टुगेदर इन रॉक्स डॉग्स बोर्ड्स एंड द शेल्स ऑफ अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिसाइल मसल्स हैं, ठीक है, ये सेडेंट्री लीव्स होते हैं कि इतना ज़्यादा ना ये मूव नहीं करते, ये इनको बैठना ज़्यादा पसंद है, जिस तरह हमें बैठना बहुत पसंद होता है तो ये इनको एक ही जगह पे रहना ज़्यादा होता है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज सिसाइल। However, clams can pull themselves into the sand or mud using their muscular foot for an anchor, and scallops can skitter along the sea floor by flapping their shells. अब क्या होता है कि जब ये ऐसा होता है कि जब ये अपने उन मस्कुलर फुट की मदद से, ठीक है, जब ये मस्कुलर फुट की मदद से अपने वो जो शेल्स हैं उनको फ्लैप करते हैं, ये अपने ये जो शेल है ना इनको ये फ्लैपिंग करते हैं इनकी, बिल्कुल ऐसे जैसे बर्ड अपने विंग्स की फ्लैपिंग करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही उसको फ्लैप करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब वो फ्लैपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी उछलता है, जैसे यहाँ पर ये जैसे बहुत ज़्यादा ये जो है ये क्या, ये पानी है, ठीक है। ये जब ये पानी में जाते हैं तो ये अपने इनकी फ्लैपिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है पानी इर्द गिर्द हमें नज़र आता है। उसके अलावा जो इनके टीथ वगैरह होते हैं, इनके जो आप कह लें इनके जो पल्स वगैरह होते हैं, इनको जो है नोवेल्ट्री शॉप्स में रखा जाता है जहाँ पे अजीब आप कह लें अनोखी चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, जो खूबसूरत और अनोखी होती हैं, जो कम पाई जाती हैं, वो नोवेल्ट्री शॉप्स में रखी जाती है। तो इनके जो टीथ्स की, फाल्स टीथ्स की अगर बात करें, पल्स की बात करें, तो उन शॉप्स में रखी जाती हैं। द मेंटल कैविटी ऑफ अ बाइवाल्व कंटेन गिल्स दैट आर यूज्ड फॉर फीडिंग एज वेल एज गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये हिंज एरिया है इसका, ये इसके मेंटल है, शेल माउथ पाल्प है, फूट है ये, और ये मेंटल कैविटी है, गिल इनकरंट साइफॉन है, और ये एक्स करंट है, यानी यहाँ से वाटर जो है इसमें आ गया और यहाँ से वाटर जो है वो निकल गया, पानी एक तरफ से आ रहा है दूसरे से जा रहा है, दैट इज़ द एनस। एंड यहाँ पे एडक्टर मसल्स मौजूद होते हैं। एंड दी सेफेलोपोड लास्ट क्लास इज द सेफेलोपोड क्लास। सेफेलोपोड्स इंक्लूड स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस। अब आपको सेफेलोपोड पढ़ने से पहले ऑक्टोपस के बारे में पता होना चाहिए। ऑक्टोपस के बारे में यकीनन आपको पता होगा। तो क्लास सेफेलोपोड्स में स्क्विड्स आते हैं और ऑक्टोपसेस आते हैं, और ये क्या होती हैं कि ये कार्निवोर्स विद बीक लाइक जार्स सराउंडेड बाय टेंटिकल्स ऑफ देयर मॉडिफाइड फूड। अब इसको हम कह रहे हैं कि सेफेलोपोड्स जो हैं ये एक्टिव प्रीडेटर होती हैं,
ठीक है, इसलिए इसको कार्निवोर्स कहा जाता है। और ये जितने भी अभी तक हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है, तमाम क्लासिफिकेशन में ये सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। और ये एक प्रीडेटर होती है, जिसको जिसमें क्या होता है कि अपने टेंटिकल्स को इस्तेमाल करके जो अपना प्रे होता है उसको कर लेती है, और फिर उसकी जो है उसको बाइट करती है, उसको जो है उसको तोड़ के जो है वो खा लेती है, अपने जांस को इस्तेमाल करती है। और फिर जो इसमें जो इसके टीथ हैं उनमें पॉइजन मौजूद होता है, इनके जो स्लाइवा है उसमें पॉइजन होता है, जिसकी वजह से वो इमोबिलाइज होता है, वो हरकत नहीं कर सकता। और इसके जो फुट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड, फुट की बात की है तो इसके जो फुट होते हैं ना स्फेलोपोड के, वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, मस्कुलर, उसमें एक्सकरेंट साइफोन मौजूद होते हैं। तो उसके फुट में ये एक्सकरेंट और जो है इनकरेंट साइफोन मौजूद होते हैं। दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ द टेंटिकल्स। स्क्विड डार्ट्स अबाउट ड्राइंग वाटर इनटू देयर मेंटल कैविटी एंड देन फायरिंग अ जेट ऑफ वाटर थ्रू द एक्सकरेंट साइफोन। अब इसमें क्या है कि पहले तो पानी इसमें से आता है, फिर उसके बाद पानी एक्सकरेंट साइफोन के ज़रिए बाहर निकल जाता है। पहले पानी आया मेंटल कैविटी में, फिर उसके बाद एक्सक्रंट से बाहर चला जाता है, ठीक है। ऑक्टोपस जो हैं वो यही सिमिलर मैकेनिज़म्स इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि सिफेलोपोड्स इस्तेमाल करती हैं। अ मेंटल कवर्स द विजरल मास ऑफ सिफेलोपोड्स बट द शेल इज़ रिड्यूस्ड एंड इंटरनल। अब जो ये मेंटल है, क्या है कि मेंटल ने उसके विजरल मास को कवर किया होता है, बट इसका जो शेल होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस्ड होता है। इसका जो शेल, एक तो हमने बात की इसकी शेल की रिड्यूस की, इसका शेल एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है, रिड्यूस हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे शेल एक्सटर्नल और इंटरनल यहाँ पे रिड्यूस आता है, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे रिड्यूस भी आता है, वो मुझे लिखना भूल गया कि शेल एक्सटर्नल और इंटरनली आर दी एब्सेंट। तो इसमें रिड्यूस होते हैं, और जो है क्या होता है कि इसमें जैसे कि ये इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें स्क्विड आती हैं, कटल फिशेज आती हैं, उसके अलावा जो है सम ऑक्टोपसेस हैव नॉट वेल डेवलप्ड। हम कह सकते हैं कि इसमें जो है वेल डेवलप्ड शेल्स मौजूद नहीं होते, सम ऑक्टोपसेस हैव नॉट वेल डेवलप्ड शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसी हैं कि जिसमें वेल डेवलप्ड जो है वो शेल्स मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसमें वेल डेवलप्ड शेल मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें हमने बात कर ली कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल वेल डेवलप होते हैं नहीं होते। मैं एक्चुअली यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही थी, बट मैंने कहा वो तो फिर बंद हो जाएगा, तो पहले मैं ज़रा पढ़ा लेती हूँ, बाद में ये कर लूँगी, एब्सेंट लिखना था तो इसलिए मैं ज़रा जो था कि पहले लिख लेती हूँ। खैर दोबारा से इसको ज़रा बोल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि पहले ज़रा मैंने ना इसको मिक्स कर दिया है लिखने के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने बात की है कि यहाँ पर जो ये जो सिफेलोपोड है इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल शेल जो है रिड्यूस्ड होते हैं, और जो जिसकी एग्जांपल है एक स्क्विड और कैटल फिशेज, और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ सिफेलोपोड्स में शेल मिसिंग होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस आप कह सकते हैं, ठीक है। अब सिफेलोपोड्स जो हैं हम कहते हैं कि इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड होता है, और इसमें जो वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड कम्प्लेक्स ब्रेन। उसके अलावा इसमें कुछ शेल्ड सिफेलोपोड्स मौजूद होते हैं, जिसको हम इसका जो सिफेलोपोड का शेल्ड है, जो शेल्ड सिफेलोपोड्स होते हैं उनको एमोनेट्स कहते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, इतनी लार्ज होते हैं कि बिल्कुल हमें जैसे आप ट्रक का टायर देखते हैं ना, बिल्कुल उतने लार्ज में नज़र आते हैं। अब यहाँ पे हम ऑक्टोपस देख लेते हैं। मोस्ट ऑक्टोपस क्रीप अलॉन्ग द सी फ्लोर इन सर्च ऑफ प्रे। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे सी फ्लोर पे रिंगते हैं अपनी जो प्रे को सर्च करने के लिए, बिल्कुल सी फ्लोर पे रिंग रहे होते हैं। तो ऑक्टोपसेस आर कंसीडर्ड अमंग द मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट। ऑक्टोपस को बहुत इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट कहा गया है। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वर्टिब्रेट कौन है, तो वो है ऑक्टोपस, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम इसकी मिलियन ऑफ ईयर्स गो की बात करें, अगर इसकी कुछ हिस्ट्री देखें सिफेलोपोड्स की, अगर हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें कुछ मास अगर बात करें तो वो डिसअपियर थे, डिसअपियर हमें नज़र आए तकरीबन 65.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले। अब सिक्विड्स यूज देयर साइफोन टू फायर अ जेट ऑफ वाटर विच अलाउज देम टू स्विम वेरी क्विकली। ये क्या है, ये हमारे पास सिक्विड है, सिक्विड एक स्पीडी कार्निवोर है, ये बहुत स्पीडी है, ठीक है, और इसके जो जाज हैं वो बीक लाइक होते हैं, इनके पास वेल डेवलप्ड आइज मौजूद होती हैं,
ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें जाइंट स्क्विड की, इसकी लेंथ की बात करें, तो इसकी जो मोस्ट स्पीशीज हैं स्क्विड की वो लेस देन 75 सेंटीमीटर है, लेकिन जो जाइंट स्क्विड हैं जो बहुत ज़्यादा जाइंट है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वो उनकी जो अगर हम बात करें साइज़ की, तो वो तकरीबन 2.25 मिली मीटर लॉन्ग है एंड अ टोटल लेंथ ऑफ 18 मीटर। उसका जो मेंटल है वो अप टू 2.25 मीटर लॉन्ग एंड टोटल लेंथ ऑफ 18 मीटर। उसके अलावा 2013 में जो है कुछ स्पेसिमेन मिले जो कि स्पीशीज बहुत रेयर थी, जिसमें आती है मिजोनी कोटियोथिस हैमिल्टोनी, ठीक है, इसका नाम था, और ये अंटार्कटिका में पाई गई थी, और इसकी मेंटल जो था तकरीबन 2.5 मीटर लॉन्ग था। तो कुछ बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि ये जुवेनाइल है, अभी ये अडल्ट नहीं है, अगर इसका अडल्ट होता है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता, बहुत बड़ा होता, अभी तो जुवेनाइल इतना बड़ा है तो अडल्ट सोचें फिर कितना बड़ा हो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो ये स्पेसिमेन इनको मिला अंटार्कटिका में, इसको ये कह रहे हैं कि अनलाइक ए डक्स विच हैज़ लार्ज सकर्स एंड स्मॉल टीथ ऑन इट्स टेंटकल, ये भी एक स्पीशी है डक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहा कि उनके लार्ज सकर्स थे उनके और स्मॉल टीथ थे, लेकिन जो एम हैमिल्टनी है हैज़ टू रोज ऑफ शार्प हुक्स एट द एंड ऑफ इट्स टेंटिकल्स दैट कैन डिलीवर लेसरेशंस, लेकिन जो एम हैमिल्टनी जो अंटार्कटिका में स्पीशी मिली, ठीक है, वो क्या थी, उसके जो टेंटिकल्स थे उनके साथ कुछ हुक्स भी लगी हुई थी और वो बहुत शार्प थी, और वो जो हुक्स लगी हुई थी वो क्या करती थी, वो लेसरेशंस का काम करती थी, डेडली लेसरेशन का, कि वो अगर किसी को लग जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा डीप कट हो जाता था, बहुत डीप कट हो जाता था, वो इस कदर बड़ी थी और इतनी उनकी टेंटिकल्स के पास इतने ज़्यादा शार्प हुक थे। लेकिन जो एडस थी उनके इतने ज़्यादा नहीं थे, वो लार्ज सकर ज़रूर थे लेकिन उनके टीथ और टेंटिकल्स जो हैं वो हम कहते हैं वो स्मॉल थे, ठीक है। वन स्मॉल ग्रुप ऑफ शेल्ड सिफेलोपोड्स, ये एक शेल्ड सिफेलोपोड्स है जिसको हम कह रहे थे एमोनाइड्स, ठीक है। द नोटिलस सर्वाइव्स टुडे, ये अभी भी सर्वाइव, और ये एक उसकी पिक्टोरियल व्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एडेक्स और एम हैमिल्टनी जो है, इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना ओशन में गुजारा है, ओशन में बहुत गहराई में इन्होंने जो है ये रहती थी, और वहाँ पे वो लार्ज फिशेज़ को इस्तेमाल करती थी अपने खाने के तौर पे। उसके अलावा जो है जो बाकी बच गई जो रिमेन्स थे जायंट सीक्रेट स्पीशीज़ के, हम कहते हैं कि वो वेल्स के स्टमक में पाए जाते थे, वेल्स जो है इनको यूज़ कर लेती थी अपनी फीड के तौर पे। लेकिन 2005 में साइंटिस्ट रिपोर्टेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एयर डक्स इन द वाइल्ड फोटोग्राफ वाइल अटैकिंग बेटेड हुक्स एट अ डेप्थ ऑफ 900 मीटर। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने 2005 में ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो वाइल्ड फोटोग्राफ होते हैं जो उन्होंने जो है इसको ऑब्जर्व किया था कि तकरीबन इसकी डेप्थ जो है वो 900 मीटर है, ठीक है। और जो है ओवरऑल दीज मेरीन जायंट्स रिमेन अलोंग द ग्रेट मिस्ट्रीज ऑफ इनवर्टिब्रेट लाइफ, तो ये जो डीप ओशन में ये जो पाए जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स, हम कहते हैं कि ये एक ग्रेट मिस्ट्री है, ठीक है, ये एक हम कह सकते हैं कि ये अल्लाह ताला ने एक अनोखी चीज़ें बनाई हुई, ग्रेट मिस्ट्री हैं जो है इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट मोलस्क्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन।